सरयू नदी के पास बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में काफी सारे जानवर रहते थे जो प्यास लगने पर नदी में आकर पानी पीते थे। नदी के दूसरे किनारे पर एक और छोटा सा जंगल था जहाँ बहुत कम जानवर थे। एक दिन बड़े जंगल का छोटा खरगोश सरयू नदी के पास आकर पानी पी रहा होता है। तभी नदी के दूसरी ओर खड़ा एक बाघ उसे देख रहा होता है। ये खरगोश मेरा आज भोजन बन सकता है। वैसे भी मेरे जंगल में अब शिकार करने लायक जानवर बचे ही नहीं है। क्यों ना मैं नदी के उस पार वाले बड़े जंगल में जाकर शिकार करूं? और वैसे भी वो जंगल बहुत बड़ा है और वहाँ का शेर सिंह भी मूर्ख और शाकाहारी है। पता नहीं ऐसे शेर सिंह मर क्यों नहीं जाते। बाघ खरगोश को देखकर शिकार करने की सोचता है और शिकार करने की लालच में नदी के दूसरी ओर चला जाता है। अपनी ओर बाघ को आता देख खरगोश वहाँ से भागने लगता है, पर तभी बाघ उसे आवाज देकर रोक लेता है। अरे खरगोश, मुझे देखकर कहाँ भाग रहे हो? तसल्ली से पानी पी लो भाई, मैं तो बस तुमसे बात करने के लिए आ रहा हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मुझे तुम्हारे जंगल के शेर सिंह के बारे में कुछ पता करना है। मैंने सुना है कि वो तुम्हारी बड़ी चिंता करता रहता है। खरगोश समझ चुका था कि बाघ उसे अपनी बातों में फुसलाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए खरगोश उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और तुरंत वहाँ से भागने लगता है। पर अफसोस, खरगोश बाघ से तेज नहीं भाग पाता और बाघ उसका शिकार कर लेता है। यहाँ के जानवर बड़ी आसानी से शिकार हो जाते हैं, तो क्यों ना मैं इसी जंगल में रहकर आसानी से शिकार किया करूँ। बाघ अब इस जंगल में रहकर ही शिकार करता रहता है। इस तरह से एक एक करके जंगल से जानवर कम होने लगते हैं। एक दिन, अरे लोमड़ी, मैंने सुना है कि तुम अपनी सहेली से मिलने दूसरे जंगल में जा रही हो। हाँ, पर तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? देखो लोमड़ी, तुमने सांप के अंडों के साथ जो हरकत की थी, जिसके लिए तुम्हें शेर सिंह ने सजा दी थी, इसके लिए तुम जंगल से भाग नहीं सकती। मगर मैं भाग कह रही हूँ, मैं तो अपनी सहेली को मिलने उस जंगल में जा रही हूँ। पर मुझे शक है कि मौका देखकर तुम भाग भी सकती हो, इसीलिए मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। देखो भैया, मैं शेर सिंह के हुक्म का पालन कर रही हूँ, मगर तुम अपनी ड्यूटी का पालन नहीं कर रहे हो। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी ड्यूटी का पालन नहीं कर रहा हूँ? दरअसल इस वक्त तुम्हें हमारे जंगल के जानवरों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे जंगल के जानवर कम हो रहे हैं। सुना है जंगल में कोई शिकारी घुस आया है जो हमारे जानवरों का शिकार कर रहा है। लोमड़ी, तू चालाक है ये मैं जानता हूँ, मगर मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ये तू जान ले। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। अगर तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे तो एक दिन तुम भी किसी शिकारी का शिकार बन जाओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। देखो, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी, मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? यही कि तुम्हें उस जंगल के थाने में जाके रोज हाजिरी देनी होगी। मुझे मंजूर है। लोमड़ी को पता था कि जंगल से जानवर कम हो रहे हैं, इसीलिए वो हाथी की शर्त मानकर वहाँ से चली जाती। वहीं दूसरी ओर हाथी जंगल की निगरानी करने लगता है। तब देखता है कि जंगल से कुछ खरगोश गायब हैं। इस चिंता में कई खरगोश आपस में बात भी कर रहे होते हैं। देखो भाइयों, हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि जंगल से खरगोश गायब हो रहे हैं। हाँ, मगर इस बात की फरियाद हमें शेर सिंह को करनी चाहिए। सभी खरगोश की बात सुनकर हाथी उनके पास जाता है। अरे भाइयों, क्या हुआ है? तुम सब आपस में क्या मीटिंग कर रहे हो, मुझे भी बताओ। हाथी भाई, तुम शेर सिंह के सेनापति हो, क्या तुम हमारी फरियाद राजा तक पहुंचा सकते हो? अरे भाई, तुम्हारी रक्षा करना हमारा दायित्व है, बताओ तुम्हारी क्या शिकायत है? हाथी भैया, कुछ दिनों से हमारे कई साथी गायब हो गए हैं। अगर तुम्हें अपने जंगल की फिक्र है तो हमारे साथी खरगोश को ढूंढ के लाइए। क्या तुम्हें किसी पर शक है? अरे भाई, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो खरगोश गायब हुए हैं वो सब पानी पीने के लिए नदी के पास गए थे और तब से वापस ही नहीं आए। और वो सब गायब कितने दिन से हुए हैं?
पिछले कई दिन से एक एक करके कई खरगोश गायब हुए हैं हाथी भैया। खरगोश की ये बात सुनकर अब हाथी को भी लोमड़ी की बात पर यकीन होता है। लोमड़ी भी यही कह रही थी कि जंगल में कोई शिकारी आया है। हाथी सोच ही रहा होता है तभी दो बकरियां वहां रोती हुई आती हैं। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? कौन बचाएगा हमें? अरे बकरियों, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम रो क्यों रही हो? हाथी भैया, अच्छा हुआ जो आप हमें यही मिल गए। हम शेर सिंह के पास अपनी शिकायत करने ही जा रहे थे। तुम भी शिकायत करना चाहती हो? हाँ। आखिर तुम लोग को क्या तकलीफ है? हाथी भाई, कुछ दिन पहले कई खरगोश गायब हुए थे और अब हमारी बकरियां भी गायब हो रही हैं। लगता है कोई शिकारी हमारे जंगल में घुस आया है। पूरा जंगल इस बात से परेशान था कि आखिर उनका शिकार कर कौन रहा है। अब वो सभी मीटिंग करने के लिए शेर सिंह के पास जाते हैं और सारी बातें शेर सिंह को बताते हैं, जिस पर शेर सिंह अपने जंगल के जानवरों से कहता है, आप सब फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा कि ये काम किसका है और कौन हमारे जंगल के जानवरों का शिकार कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे शेर सिंह? आप सबसे मेरी विनती है, आप में से कोई भी जंगल के बाहर नहीं जाएगा। जिसको भी पानी पीना है वो इसी जंगल के तालाब का पानी पिएगा। आपके इस हुक्म का हमको कब तक पालन करना होगा राजा जी? एक बार मैं उस शिकारी को पकड़ लूं, फिर आप सब जंगल के बाहर नदी का पानी पी सकते हैं। सभी जानवर शेर सिंह की बात मान जाते हैं और जंगल से बाहर जाना बंद कर देते हैं। दो दिन बीत जाते हैं और जंगल से कोई भी जानवर गायब नहीं होता। उधर शिकार नहीं मिलने पर अब बाघ परेशान हो जाता है क्योंकि दो दिन से उसने कोई शिकार नहीं किया था। इतना बड़ा जंगल है, इतने सारे जानवर हैं, फिर ये सारे कमबख्त जानवर पानी पीने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? दो दिन से मैंने कोई शिकार नहीं किया है, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। लगता है अब शिकार करने के लिए नदी का किनारा छोड़ जंगल के अंदर जाना होगा। आखिर मैं भी तो देखूं इस जंगल के सारे जानवर आखिर कहां गायब हो गए हैं। अब देखता हूं मुझसे कैसे बचते हैं इस जंगल के जानवर। इतना बोलकर बाघ छुपकर जंगल के अंदर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है एक बकरी घास खा रही होती है। उस बकरी को घास खाता देख बाघ पीछे से उस पर वार कर देता है और उसे मारकर अपने साथ जंगल से बाहर ले जाता है। ये सब एक दूसरी बकरी देख लेती है। तो ये बात है, मैं अभी जाकर शेर सिंह को ये बात बता देती हूँ। बकरी भागते हुए जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करके शेर सिंह के पास पहुँचती है। महाराज, हमारे जंगल में दूसरे जंगल का बाघ घुस आया है और वो ही हमारे जंगल में शिकार कर रहा है। वो बहुत तेज है और दुष्ट शिकारी है। उसने हमारे एक साथी को मार डाला है जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। शेर सिंह, कुछ कीजिए महाराज, वरना हमारी प्रजाति खत्म हो जाएगी। हाँ महाराज, अब कुछ करना ही पड़ेगा। सबकी बात सुनकर शेर सिंह कुछ सोच कर बोला, लोमड़ी कहाँ है? महाराज, लोमड़ी दो नदी पार वाले जंगल में गई है। शेर सिंह लोमड़ी की मदद से बाघ को पकड़ने का मन ही मन में प्लान बनाकर बोला, देखो इस जंगल के जानवरों की सुरक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है और मैं आप सबकी रक्षा जरूर करूंगा। बस आप सबको मेरा साथ देना होगा, जैसा मैं बोलूं वैसा आप सबको करना होगा। हाँ हाँ, हम सब तैयार हैं। तो सुनो, आप सब में से कोई भी नदी के किनारे नहीं जाएगा और जब उस शिकारी को शिकार नहीं मिलेगा तो वो जंगल के अंदर आने के लिए मजबूर होगा, और जब वो जंगल आएगा तब मैं किसी एक जानवर को उसके सामने भेजूंगा। फिर क्या, जैसे ही वो मेरे भेजे हुए प्राणी का शिकार करने जाएगा हम सब उस पर हमला कर देंगे। हाँ, किसी एक को अपनी जान खतरे में डालनी होगी महाराज। हाँ, मगर मौत के मुंह में जाने के लिए कौन तैयार होगा महाराज? वो तुम्हें कल पता चल जाएगा। शेर सिंह अपने गुप्तचरों द्वारा लोमड़ी को संदेशा भिजवा कर उसे वापस बुला लेता है। महाराज, आपने मुझे इतनी रात को इमरजेंसी में यहाँ क्यों बुलाया? लोमड़ी, मैं तुम्हारी सजा माफ करना चाहता हूँ, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सजा से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ महाराज। ठीक है,
तो सुनो। लोमड़ी के हाँ करते ही शेर सिंह ने बाघ को पकड़ने का प्लान उसे बता दिया। महाराज, जब बाघ मेरा शिकार करने आएगा तब आप मुझे टाइम पर आकर बचा तो लेंगे ना? शेर हूँ, नेता नहीं, जो वचन देकर मुकर जाऊंगा। अगले दिन प्लान के अनुसार लोमड़ी नदी के किनारे जाती है। शिकार को आता देखकर बाघ खुश हो जाता है। वाह, आज मुझे पेट भर के खाना मिलेगा। शिकार के नजदीक आते ही मैं उसे मार दूंगा। लोमड़ी डरते डरते नदी के किनारे पहुंच जाती है। हे भगवान, टाइम पर शेर सिंह को भेज देना, मैं तुझे एक नारियल चढ़ाऊंगी। जैसे ही लोमड़ी बाघ के करीब जाती है, बाघ उसके पास पहुंच जाता है। कैसी हो लोमड़ी? मैं ठीक हूँ बाघ भाई। अभी तो तुम ठीक हो, मगर थोड़ी देर बाद तुम ठीक नहीं रहोगी। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं अभी भूखा हूँ, और जब मैं भूखा होता हूँ तब मुझे कोई भी शिकार मिले तो मैं उसे खा जाता हूँ। इतना बोलकर बाघ जैसे ही लोमड़ी के पास जाता है, वो शेर सिंह के जाल में फंस जाता है और वहाँ सारे जानवर आ जाते हैं। बाघ, शिकार की लालच में तू मेरी चाल में फंस गया, अब तेरी कहानी खत्म हुई। तुमने मुझे धोखा दिया शेर सिंह। जैसी करनी वैसी भरनी कहावत तो तूने सुनी ही होगी। तू सबको धोखे से मारता था, इसीलिए तुझे भी मुझे धोखे से मारना पड़ा। मुझे माफ कर दो शेर सिंह, मैं हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं, तुमने हमारे जंगल में बहुत प्राणियों का शिकार किया है, अब हमारे जंगल के जानवर तुम्हारा शिकार करेंगे। साथियों, ले जाओ इसे और अपना बदला पूरा करो। शेर सिंह से आज्ञा मिलते ही सारे जानवर बाघ पर टूट पड़ते हैं। इस तरह से शेर सिंह अपनी चालाकी और सूझबूझ से अपने जंगल के जानवरों की रक्षा करता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि धोखे का अंजाम धोखा ही होता है, जो बोओगे वही पाओगे। शेर सिंह अब बूढ़ा हो चुका था, वो चाहता था कि उसके जीते जी वो किसी ज्ञानी को जंगल का राजा बना दे। इसलिए शेर सिंह ने जंगल के सभी प्राणियों को अपने दरबार में बुलाया। देखो भाइयों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और राजा का कर्तव्य निभाने में असमर्थ हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि राजगद्दी किसी ज्ञानी के हाथ में सौंप देना चाहिए। इसलिए जो भी राजा बनना चाहता है उसे बल और बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। जो भी प्राणी मेरी परीक्षा में पास होगा वही इस जंगल का राजा बनेगा। शेर सिंह का संदेश जंगल में आग की तरह फैल जाता है। जंगल के हर गली मोहल्ले में सारे प्राणी यही बात कर रहे होते हैं। बंदर भाई आप राजा बन जाइए ना, आप चतुर भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। हाँ वो तो ठीक है, मगर मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ। जंगल का राजा तो शेर ही होता है, शेर सिंह को अपने बेटे को ही राजा बनाना चाहिए। हाँ, मगर शेर सिंह चाहते हैं कि जो कसौटी पर खड़ा उतरेगा वही इस जंगल का राजा बनेगा। भाई, शेर सिंह तो बड़ा ही अकलमंद राजा है, अरे मैं तो उनके इम्तिहान में पास ही नहीं हो सकता। दूसरी ओर शेरनी के मुंह बोले भाई लोमड़ी को भी राजा बनने की इच्छा हुई, इसलिए वो शेरनी के पास जाकर कहता है, दीदी क्या तुमने सुना कि जीजा जी राजगद्दी छोड़ने वाले है? हाँ मैंने सुना। तो दीदी क्या मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ? तुम राजा बनने के लायक हो, मगर तुम्हें शेर सिंह के इम्तिहान में पास होना पड़ेगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लोमड़ी के हाँ कहते ही शेरनी लोमड़ी को लेकर शेरखान के पास पहुँच जाती है। लोमड़ी के साथ शेरनी को देखकर शेर सिंह बोला, महारानी तुम इस वक्त यहाँ? हाँ महाराज, मैं अपने मुँह बोले भाई को लेकर आपके पास किसी मकसद से आई हूँ। हाँ हाँ शेरनी, बताओ तुम यहाँ साले साहब को लेकर क्यों आई हो? मैं चाहती हूँ आप इसे राजा बना दीजिए। ये नहीं हो सकता। मगर क्यों? लोमड़ी क्यों राजा नहीं बन सकता? क्योंकि ये प्राणी राज्य परिवार से ताल्लुक नहीं रखता। महाराज ये तो गलत बात हो गई। अगर नेता का बेटा ही नेता बनेगा तो हम में और इंसानों में क्या फर्क रह जाएगा? और आपने ही तो कहा था जीजा जी कि जो ज्ञानी होगा उसे आप राजा बनाएंगे, तो क्या मैं ज्ञानी नहीं हूँ? मैंने ये भी कहा था कि जो बल और बुद्धि के परीक्षा में पास होगा वही अगला राजा होगा। महाराज याद कीजिए वो दिन जिस दिन आपको शिकारियों ने बंधक बना लिया था, और उस दिन मैंने ही आपकी जान बचाई थी, और उस दिन आपने मुझे वचन दिया था। तुमने मेरी जान बचाई है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? महाराज अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना है तो आप मुझे एक वचन दीजिए कि वक्त आने पर जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे।
मैं वचन देता हूँ, वक्त आने पर तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। अगर आपको अपना वचन याद है तो वादा निभाइए और मेरे मुंह बोले भाई को राजा बनाइए। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इसे राजा बनाने को तैयार हूँ, मगर इसे मेरी परीक्षा में पास होना होगा। मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ जीजा जी। ठीक उसी वक्त नदी के उस पार से गोलियां चलने की आवाजें आती हैं। ठीक है लोमड़ी, तो बताओ ये किसकी आवाज है? ओह, ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। लोमड़ी दौड़ता हुआ नदी की ओर जाता है और कुछ ही देर में वापस आकर कहता है, महाराज नदी के उस पार कुछ शिकारी लोग खड़े हैं और वो बंदूक से गोली चलाकर शिकार करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो पता करो वहाँ कितने शिकारी हैं। राजा बनने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मैं अभी पता लगा कर आता हूँ जीजा जी। शिकारियों की गिनती करने के लिए लोमड़ी दौड़ता हुआ नदी के किनारे की ओर जाता है और कुछ ही देर में लोमड़ी वापस आकर शेर सिंह से कहता है, महाराज वो 12 लोग हैं। अच्छा, तो वो 12 शिकारी हैं, मगर उनके हाथ में कितनी बंदूकें हैं वो बताओ। बंदूकें तो मैंने नहीं गिनी, अभी मैं गिनकर आता हूँ। एक बार फिर लोमड़ी बंदूकों की गिनती करने के लिए नदी की ओर दौड़ता है और कुछ ही दिन में लोमड़ी बंदूकों की गिनती करके वापस आता है और फिर शेर सिंह से कहता है, महाराज सबके हाथ में बंदूकें हैं, मेरा मतलब है कि उनके पास 12 बंदूकें हैं। तो अब पता लगाओ कि वो लोग कहाँ से आए हैं, जाओ। महाराज की आज्ञा पाकर लोमड़ी दौड़ते हुए नदी की ओर जाता है। हे भगवान, शेर सिंह ने तो दौड़ा दौड़ा कर मेरी छुट्टी कर दी, कहीं ये शिकारी लोग मुझे गोली न मार दे, मुझे डर लग रहा है। पर क्या करूं, फटती है फिर भी मुझे जाना तो पड़ेगा ना, आखिर राजा जो बनना है। फिर कुछ ही देर में शेर सिंह के सामने आकर लोमड़ी कहता है, महाराज वो पूर्व दिशा से आए हैं। और वो कहाँ जा रहे हैं ये पता किया या नहीं? शेर सिंह के सवाल से परेशान होकर लोमड़ी रोते हुए बोला, दीदी ये मुझे राजा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए देखो ना जीजा जी मुझसे कैसे कैसे ऊट पटांग सवाल करके मेरी फिरकी ले रहे हैं। तू रो मत मेरे भाई, मैं अभी इनकी खबर लेती हूँ। क्यों जी, इसे राजा नहीं बनाना है इसीलिए आप ऐसे ऊट पटांग प्रश्न कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक उसी वक्त शेर सिंह का बेटा शमशेर सिंह वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर भालू कहता है, महाराज सबको मौका मिलना चाहिए, हम सभी जानवर चाहते हैं कि एक मौका युवराज को भी देना चाहिए। हाँ हाँ राजन, युवराज को भी अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलना चाहिए। देखो साथियों, मैं चाहता हूँ कि जंगल का राजा वीर ज्ञानी और पराक्रमी होना चाहिए, इसलिए युवराज अगर राजा बनना चाहते हैं तो उन्हें भी इम्तिहान देना पड़ेगा। क्या वो इम्तिहान देने के लिए तैयार है? हाँ मैं तैयार हूँ पापा। युवराज की हाँ कहते ही जंगल के सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। तभी नदी की ओर से गोलियों की आवाजें आती हैं। ठीक है युवराज, क्या तुम्हें ये आवाजें सुनाई दे रही हैं? अगर राजा बनना है तो पता लगाओ कि वो आवाजें किसकी हैं। जो आज्ञा पिताजी। शेर सिंह की आज्ञा का पालन करते हुए युवराज शमशेर सिंह आवाज की दिशा में नदी के किनारे की ओर चल पड़ते हैं, मगर काफी देर होने के बाद भी युवराज वापस नहीं लौटते हैं। ये देखकर लोमड़ी ने खट्टे मन से कहा, माफ करना महाराज, इतना समय बीत गया मगर युवराज अब तक नहीं लौटे, इतनी देर में तो मैं 10 बार जाकर वापस लौट आता। थोड़ा सब्र करो लोमड़ी, युवराज जरूर वापस आएंगे। और अगर वो वापस नहीं आए तो मैं ही राजा बनूंगा। वो वापस नहीं आया तो मैं ही राजा बनूंगा। ठीक उसी वक्त युवराज शमशेर सिंह वापस आते हैं। महाराज की जय हो। महाराज नदी के उस पार 12 शिकारी अपनी अपनी 12 बंदूकें हाथ में लेकर शिकार करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सारे शिकारी पूर्व की ओर से आए हैं और आज रात वो हमारे जंगल में शिकार करने के लिए आने वाले थे, मगर मैंने अपनी जान पे खेल के उन्हें गुमराह करके दूसरे जंगल छोड़ाया। क्या तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की युवराज? नहीं, जैसे ही शिकारियों ने मुझे देखा वो मेरे पीछे पड़ गए, बंदूक से उन्होंने मेरे ऊपर कई फायर किए, मगर उस वक्त शिकारियों से अपनी जान बचाना मेरा मकसद नहीं था, इस जंगल को बचाना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैं अपनी जान पर खेल के सारे शिकारियों को दूसरे जंगल में छोड़ाया और इसी चक्कर में मुझे यहाँ आने में थोड़ी सी देर हो गई। ये सुनकर लोमड़ी का सिर शर्म से झुक गया। महाराज बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा,
युवराज शमशेर सिंह ही राजा बनने के योग्य हैं। क्यों भाइयों? युवराज को ही राजा बनाइए महाराज। महारानी, मैं चाहता तो बिना इम्तिहान लिए ही युवराज को राजा घोषित कर सकता था, मगर वो इस काबिल है कि नहीं यह जानना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैंने आम जानवर की तरह युवराज का भी इम्तिहान लिया और नतीजा तुम्हारे सामने है। तुम्हारा मुँह बोला भाई हमारे इम्तिहान में फेल हो चुका है। अब तुम ही बताओ, इन दोनों में से मुझे जंगल का राजा किसे घोषित करना चाहिए? शेरनी के राय देने से पहले ही लोमड़ी बोला, महाराज राजा बनने की चाहत में मैं भूल गया था कि जंगल का राजा तो शेर ही होता है, इसलिए युवराज शमशेर सिंह को ही राजा घोषित कीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। फिर शेर सिंह युवराज शमशेर सिंह को जंगल का राजा घोषित कर देते हैं। घोषणा होते ही जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं और एक साथ सभी बोल उठते हैं, शेर सिंह जिंदाबाद, शमशेर सिंह जिंदाबाद, शेर सिंह जिंदाबाद, शमशेर सिंह जिंदाबाद। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।